हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ये वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे थे दोस्तों। तो डिज़ाइनिंग पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का था। हम लोग कहाँ तक डिज़ाइन कर लिए थे, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, यानी ये वाला सेक्शन पूरा हमारा हो गया था। पोर्टफोलियो सेक्शन हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था। हमें अब क्या डिज़ाइन करना था, फैक्ट सेक्शन यानी FAQ जो लिखा हुआ है, ये वाला सेक्शन यानी फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, है ना दोस्तों। तो यही हमें डिज़ाइन करना है। तो बिना देरी के चलते हैं अपने VS कोड में और उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, तो हमारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है। आप लोग अगर प्रोजेक्ट नहीं खोलना जानते तो यहाँ पे देखें, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रन करके देख लेंगे। तो कंट्रोल ओ करेंगे, मैं कंट्रोल ओ कर लेता हूँ और यहाँ पे ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँगा। ठीक है, तो ओपन विद गूगल क्रोम मैंने कर लिया है। यहाँ पे देखिए मेरा वेबसाइट खुला हुआ है, मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा इसको। तो ये देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था। ये हम लोग का वेबसाइट है दोस्तों, जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये वो वेबसाइट है जिसको हम लोग देख के डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनलिटी है। एक ही वेबसाइट में आप लोग को शायद बहुत कुछ सीखने को मिल जाए दोस्तों। तो ये वेबसाइट ज़रूर आप लोग पूरी डिज़ाइन करिए, इससे और बेटर वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे दोस्तों आगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, बिना बात के चलते हैं अपने VS कोड में और इस सेक्शन को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ देखिए एंड हो रहा है, पोर्टफोलियो सेक्शन एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट या फिर क्यों सेक्शन कोडिंग, इस तरीके से मैंने दिया फिर क्यों सेक्शन कोडिंग। और यहाँ पे आ जाता हूँ, एक और लिखता हूँ एंड फैक सेक्शन कोडिंग, मैंने यहाँ पे पास कर दिया फैक सेक्शन कोडिंग, इस तरीके से मैंने दिया कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कुछ छोटा सा कमेंट। हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक सेक्शन ले लूँगा मैं, सेक्शन इस तरीके से मेरे को, सेक्शन सेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, इसको मैं सही कर लें। तो सेक्शन ले लिया डॉट लगा के, इसका मैं जो क्लास रखूँगा फैक हाइफन सेक्शन रखूँगा, इस तरीके से मैं इसका क्लास रखता हूँ फैक हाइफन सेक्शन। तो इसी को सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करेंगे दोस्तों। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा डॉट लगा के कंट्रोल, सबसे पहले कॉमेंट ज़रूर पास करिए आप लोग स्टार्ट, तो कमेंट जरूर पास करिए दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट फैक सेक्शन कोडिंग, मैंने इस तरीके से लिख दिया फैक सेक्शन कोडिंग। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, एंड कर देंगे इसको, एंड फैक सेक्शन कोडिंग में लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा छोटा सा कमेंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगा के उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसमें डिज़ाइन करनी है। तो विद लगाऊंगा सबसे पहले, विद विद मैं कितना रखूँगा इसका 100%। ठीक है, और हाइट कितना रखूँगा दोस्तों, हाइट मैं इसका रखूँगा, मैं रख देता हूँ 700 पिक्सल रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैं इसको चेंज कर दूँगा, कोई दिन कम ज़्यादा करेंगे तो इसको, अभी हम लोग जब डिज़ाइन हो जाएंगे तो कम ज़्यादा इसको कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर वही रखना है जो इसका है, तो बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, ये वाला कलर है। तो यहाँ पर देखिए कलर जिला नाम का आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, तो क्रोम एक्सटेंशन में आपको ये मिल जाएगा कलर जिला, इस पर जब क्लिक कर देंगे यहाँ पर ले जाके तो आपको ये कलर कॉपी हो जाएगा। जब कलर कॉपी हो जाए तो यहाँ पर ला के पेस्ट कर दीजिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा डिज़ाइन कितना हुआ, ये देखिए इसके नीचे एक बॉक्स बन गया इतना बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये बॉक्स बन गया है, अब इसी में हमें डिज़ाइन करना है। तो इसी में क्या लिखना है, सबसे पहले फैक लिखना है ये, और ये लिखना है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। ठीक है, उसके नीचे एक एचआर लगाना है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये वाला हमारा सेक्शन है। सबसे पहले H1 में मैं फैक लिख देता हूँ, एफ डॉट ए डॉट क्यू फैक लिख दिया। उसके बाद H2 से मैं लिखता हूँ, H2 ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसमें क्या लिखूँगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। उसके बाद मैं एक एचआर ले लेता हूँ। ठीक है, तो तीनों को मैं देख लेता हूँ किस तरीके का डिज़ाइन हुआ अभी तक। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि इस तरीके का डिज़ाइन रखना है। देख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा इसको, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और इसमें से क्या सेलेक्ट करेंगे, H2 को, H1 को। सबसे पहले H1 को सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट फैमिली सबसे पहले इसका चेंज करूँगा, फॉन्ट फैमिली रखता हूँ सेंस सेरिफ। ठीक है, और कलर मैं इसका रखूँगा, कलर मैं इसका हल्का वाला रखूँगा, ये वाला कलर। ठीक है, और फॉन्ट फैमिली हो गया, सेंस सेरिफ हो गया, और क्या रखना, फॉन्ट साइज, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे दोस्तों इसका, फॉन्ट साइज रखेंगे इसका 27 पिक्सल। पैडिंग इसका रिमूव करेंगे, पैडिंग जो होता है इसमें, पैडिंग जो होता है इसमें बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कितना आया है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके चेक करूँगा, तब पैडिंग रिमूव करूँगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में चला जाए। मैं रिलोड करूँगा अपने पेज को, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो इसके वजह से दोस्तों पैडिंग मार्जिन रहता है H1 में, तो मैं इसका पैडिंग और मार्जिन दोनों रिमूव करूँगा, पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। देखिए मैं सॉरी, मार्जिन भी इसका क्या करूँगा, 0 कर दूँगा। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी हेडिंग टैग में जो है पैडिंग मार्जिन होता है दोस्तों, उसको आपको जरूर रिमूव कर देना चाहिए। ये देखिए अब ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लूँगा, ये पूरे कोड को कॉपी कर लूँगा, इतना जितना भी H1 का कोड है पूरा कॉपी कर लूँगा, और H2 के लिए सेम कोड रखना है हमें। ठीक
है, एस टू के लिए सेम कोड रखना है। तो बस इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे एस टू सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से एस टू को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको पैडिंग मार्जिन इसका नहीं रिमूव करना है, और इसका कलर दूसरा रखना है। कलर अभी देखिए, मैं पैडिंग मार्जिन रिमूव कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके का डिज़ाइन हुआ, तो कलर हमें चेंज करना है इसका, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ाना है। तो कलर मैं सबसे पहले इसका चेंज कर देता हूँ, कलर मुझे ये वाला रखना है, ये वाला कलर रखना है, और इसका फॉन्ट साइज कितना रखना है, 35 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा और बड़ा हो जाए। ये देखो दोस्तों डिज़ाइन हो गया। अब हमें इस एच आर को डिज़ाइन कर लेना है, जो इसके नीचे है। तो एच आर को डिज़ाइन कर लेंगे, इतना कॉपी कर लीजिए आप। इसके बाद एच आर इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल भी करके एच आर। एच आर को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले विड्थ दीजिए, इसमें विड्थ कितना देंगे हम लोग, 100 पिक्सल है ना। और हाइट इसका देंगे 3 पिक्सल, हाइट में दूंगा 3 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर, हाइट के बाद इसमें क्या देंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में ये वाला रखूंगा, और इसमें बॉर्डर आ जाता है बाय डिफॉल्ट, तो बॉर्डर इसका क्या करेंगे, नन। इस तरीके से मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, रिलोड करूँगा, ये देखिए डिज़ाइन हो गया। तो कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से थोड़ा मूव्ड है, तो इसको भी हम लोग ऊपर से मूव करेंगे। तो ऊपर से मूव करने के लिए ये जो सेक्शन है, इसमें पैडिंग पास कर दीजिए आप। पैडिंग पास करेंगे हम लोग, 30 पिक्सल में पैडिंग पास करता हूँ, चेक करता हूँ कितना मूव हुआ। ठीक है, तो मैं रिलोड करता हूँ पेज को अपने। ये देखिए मूव तो हुआ दोस्तों, लेकिन इसके वजह से इसकी हाइट विथ बढ़ गई, जो सेक्शन थी, और इसमें स्क्रॉल बार आ गया। तो इसकी हाइट विथ ना बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाएंगे। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर डिफाइन करते हैं आप, तो इसकी हाइट जो बाई डिफॉल्ट बढ़ जाती है, वो नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, रिलोड करूँगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल नहीं आ रहा, अब ये हमारा हो गया, थोड़ा सा ऊपर से मूव्ड है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप और मूव कर देंगे इसको, तो 30 को आप 40 कर देंगे, तब भी हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके नीचे देख लेते हैं, ये बनाना है इस तरीके का, है ना। तो इस तरीके का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे इसके नीचे बनाना है, चार के नीचे। तो डॉट टेक हाइफन सेक्शन हाइफन बॉक्स या पेज, आप जो भी लेना चाहे, तो पेज मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। पेज इंटर करूँगा तो एक डिप बन जाएगा इस तरीके का, कॉपी कर लूँगा पेज को इस तरीके से। मैं इसमें जाता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। इसके बाद डॉट लगा कर इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, डॉट लगा कर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले इसका विथ पास करेंगे, विथ 100% पास करता हूँ, 100% बैकग्राउंड का। हाइट क्या पास करूँगा दोस्तों, हाइट भी मैं 100% रखूँगा, 100%। बैकग्राउंड कलर मैं इसमें देता हूँ, ताकि हमें दिख जाए कि कहाँ पे बना। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका क्या रखूँगा, रेड। मैं चेक करूँगा कि ये कहाँ पे बना, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अपने पेज को रिलोड करता हूँ। ये देखिए ये इसके नीचे बन गया, ठीक है। अब इसके नीचे ये इस तरीके का हमें डिज़ाइन करना है दोस्तों, इस तरीके का। तो ये बड़ी आसानी से बनता है दोस्तों, आपको देखना है कि कैसे बनता है। ये देखिए मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, इतना टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया हूँ। और यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके नीचे एक डिटेल नाम का टैग होता है, डिटेल्स नाम का टैग होता है दोस्तों। इसमें समरी में जो आप रखेंगे वो हेडिंग बनेगा, ठीक है, समरी में जो आप रखेंगे वो हेडिंग बनेगा। और पी टैग में जो रखेंगे आप, वो क्या बनेगा आपका, उसके हेडिंग का कंटेनर का ये वाला जो इसमें आता है, ये बनेगा। कॉपी कर लेता हूँ इसको भी, और पी टैग में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ताकि ये थोड़ा सा आप लोग को दिखे सही से, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे, और अपने वेबसाइट को रिलोड करके चेक करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया, इस पर जब क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा, ये देखिए। तो इसको हमें, ये जो यहाँ से साइड से बन रहा है, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए क्या करेंगे आप, इसके कंटेनर में पैडिंग पास करेंगे। तो इसका कंटेनर ये है, तो मैं इसमें पैडिंग पास करूंगा। पैडिंग कितना पास करूंगा दोस्तों, मैं पैडिंग इसमें पास करता हूँ 50 पिक्सल, 70 पिक्सल पास करता हूँ, चेक करता हूँ कितना मूव होता है, उसके हिसाब से हम लोग पास कर लेंगे। तो 70 पिक्सल मैंने पास किया। पैडिंग पास करने के बाद आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जरूर डिफाइन करना दोस्तों। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी मैंने डिफाइन कर दिया। मैं रिलोड करता हूँ पेज को, ये देखिए इस तरीके का बन गया दोस्तों। तो आपको अगर पैडिंग ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप कम कर दीजिए, तो यहाँ पे 50 कर दीजिए, तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। रिलोड करूँगा अब, ठीक है। अब इसको मुझे डिज़ाइन करना है, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे आप दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे इंडेक्स, ये जो पेज है इसमें से आप किस कौन से टैग को सेलेक्ट करेंगे, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए समरी टैग को, जो समरी वाला टैग है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो समरी टैग को मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है क्या हुआ, हाँ समरी टैग को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। और इसमें क्या पास करूँगा, फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज हम इसका कितना रखेंगे, फ़ॉन्ट साइज मैं इसमें रखता हूँ 23 पिक्सल। कलर मैं इसका रखूँगा, कलर ये वाला रखूँगा, ये जो कलर है। और फ़ॉन्ट फैमिली भी इसका चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली में रखता हूँ सेंस सेरिफ, ठीक है। तो ये देख लीजिए डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है, तो कलर किसके वजह से नहीं दिखा, इस रेड वाले बॉक्स की वजह। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रिलोड करूँगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसके नीचे वाले कंटेंट को हमें डिज़ाइन करना है, तो इसके नीचे वाले कंटेंट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, सेम प्रोसेस है दोस्तों। इतना कॉपी कर लीजिए पूरा कोड, इसको पूरे कोड को कॉपी कर लीजिए आप, ये जो इतना है, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे क्या समरी के, यहाँ क्या पी को सेलेक्ट करूँगा, और इसकी
थोड़ा सा 90 पिक्सल इसको करेंगे, 19 पिक्सल, और कलर इसका हम लोग रखेंगे, कलर दूसरा रखेंगे। कलर क्या रखेंगे, कलर हम लोग ये वाला रखेंगे ताकि हमें ये सही से दिखे। यहाँ पे आ जाता हूँ, रिलोड करूँगा, ये देखिए ठीक है। तो ये भी डिजाइन हो गया। इसके नीचे क्या बनाना था हमें, एक अंडरलाइन, ये देखिए हल्का सा अंडरलाइन है, तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिटेल देगा इसके नीचे ठीक नीचे एचआर शुरू कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक एचआर बन जाएगा। तो ये डिजाइन हो गया, ये एचआर। तो डिजाइन क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये इसके अंदर एक एचआर ऑलरेडी डिजाइन है, इसकी वजह से ये भी डिजाइन हो जा रहा है। तो इस एचआर को आपको डिजाइन करना कैसे, इस तरीके से कॉपी कर लीजिए इसको, और यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल भी करके एचआर को सेलेक्ट कर लीजिए। एचआर को सेलेक्ट करने के बाद भी इसमें पास करिए 100%। तो 100% पास करके आप तुरंत इसको चेक करिए कि इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। तो मैं रिलोड में देखिए चेंजेस हो रहा है इसमें, इसका मतलब हमारा काम कर रहा है। तो हाइट लगाएंगे इसमें, हाइट लगाएगा मैं, हाइट लगा तो 1 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर क्या रखूंगा मैं इसका, SAR CCC, यानी ये जो हल्का वाला कलर आता है वो। और बॉर्डर इसका क्या करेंगे, नन बॉर्डर कर दूंगा मैं, नन। अब मैं चेक करता हूँ, मैं रिलोड करूंगा पेज को, ये देखिए हल्का सा आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अब हमें ये कितना बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 बनाना है। तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं और इसको कॉपी करूंगा, ये जो डिटेल्स वाला टैग है इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और एचआर तक, यहाँ तक एचआर जहाँ तक है इसको कॉपी कर लूँगा, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, एक एक करके सबको बंद कर देता हूँ, फिर से गिन लूँगा दोबारा। तो 5 हो गया, ये एक है, इसको मैं बंद करूँगा, इसको भी बंद कर दूँगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है दोस्तों, 6 टाइम बन गया हमारा। मैं रिलोड करूँगा तो ये देखिए इस तरीके का डिज़ाइन वो हो गया। तो कितने आसानी से हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। तो इसकी हाइट ज़्यादा है तो हाइट हम लोग कम करेंगे, तो हाइट कितना करेंगे, हमें हाइट मैं इसका रखता हूँ, ये जो पेज है इसमें 100% हाइट पास्ट है, तो पेज वाला ये है, मैं इसको करता हूँ 80%, ठीक है। नहीं, इसका हाइट ठीक है, हम लोग इसका हाइट कम करेंगे, ये जो 700 पिक्सल था ये, तब ये ठीक होगा। तो मैं इसको करता हूँ 500 पिक्सल, मैं चेक करूँगा कितना डिज़ाइन हुआ। हाँ अब ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे थोड़ा सा और हाइट बढ़ाएंगे इसका, तो इसका मैं हाइट करना कर दूँगा 600 या 550 करता हूँ, 550 मैंने कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ, रिलोड करूँगा, हाँ अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ठीक है, इसके अंदर ही आ रहा है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया दोस्तों। इसी तरीके का वीडियो आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो बड़े ही आसानी से हम लोगों ने इसको बनाया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।